प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार वो सत्ता में आने वाले हैं। पार्टी की तरफ से फुल प्रूफ प्लानिंग भी है। लोकसभा में सोमवार को मोदी ने कहा था कि उनका अगला कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा और कल उन्होंने राज्यसभा के भाषण में विकसित भारत के सपनों वाला 5 साल का पूरा प्लान देश और दुनिया के सामने पेश किया। देखिए प्रधानमंत्री ने थर्ड टर्म के लिए अपने ब्लूप्रिंट में क्या खाका पेश किया है। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरों की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में उन गरीब को पीएम आवास जो देने हैं, एक भी वंचित नहीं रहे, इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो। देश के कितने नागरिकों, करोड़ों नागरिकों को बिजली बिल जीरो। और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे। ये अगले 5 साल का कार्यक्रम है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।